रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन जो है इट इज़ सिमिलर एज विद स्मॉलर नंबर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले छोटे नंबर्स के साथ सीख चुके हैं। वी कैन रीग्रुप एंड बारो, हम दोबारा ग्रुप बना सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं। वी कॉमास शुड बी अंडर रिस्पेक्टिव कॉमास, कॉमास जहाँ लगे हों उसके नीचे ही कॉमा लगाएं। तो सब्ट्रैक्ट करने को तफरीक करना कहते हैं और ये आप इससे पहले बहुत दफ़ा सीख चुके हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें एक माइन्यूएंड होता है, एक सब्ट्राहेंड होता है, और माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड के डिफरेंस को फ़र्क को डिफरेंस कहते हैं। तो पहला जो बड़ी रकम होती है, नंबर होता है, उसको माइन्यूएंड कहते हैं, छोटे को सब्ट्राहेंड, और उनके आंसर को डिफरेंस। और इसके लिए लीव, माइनस, टेक अवे, लेस और डिफरेंस के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, चीटिंग कल्चर का अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, तफरीक कर दो। हम चीटिंग को कोई गलती समझते ही नहीं है, गुनाह समझते ही नहीं है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। टू बिलीव इन समथिंग एंड नॉट टू लिव इट इज़ डिसऑनेस्ट, यानी किसी चीज़ पर कहना कि मेरा ईमान है और उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना डिसऑनेस्टी या बददियानती है। तो प्यारे बच्चों, हम तो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और फिर हम झूठ बोलते हैं। इंसान को झूठ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ जो है कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, जो उन गुनाहों में से एक झूठ बोलना भी है। अगर हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो फिर हमें अल्लाह और उसके नबी की बात माननी चाहिए। किताब अल्लाह को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। और अल्लाह ने भी सूरह अहज़ाब में फरमाया कि अल्लाह की रसूल की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और फिर कुरान की एक आयत है जिसका तर्जमा है कि बेशक अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है आपके इस काम से किसी और की तलाश ख़त्म हो जाए। तो आए अब मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है 25,623,805 में से हमने माइनस करना है 4,706,131। तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे। हमने 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आया, हमने 1 बारो किया, 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आया, और फिर उसके बाद क्योंकि हमने 1 8 से बारो कर लिया था, पीछे 7 रह गया, 7 में से 6 माइनस किए तो 1 आया। 3 में से 0 माइनस करें, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो नीचे 3 ही आ जाएगा। फिर हमने इसी तरह 2 में से 0 माइनस करें तो नीचे 2 आ जाएगा, और क्योंकि 6 में से 7 नहीं माइनस कर सकते तो हम 1 बारो करेंगे, 16 बन जाएगा, और 16 में से जब हम 7 माइनस करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा, और क्योंकि हमने 1 बारो कर लिया था तो 4-4=0, और फिर 2 को हम नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देखिए कॉमा के नीचे ही कॉमा लग गए हैं। अब हम नेक्स्ट सम आपके सामने है, यहाँ पे वीडियो को रोकें और खुद से इसको सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद आप इसे मैच कर सकते हैं इसका जवाब। तो हमने राइट साइड से शुरू किया, 8-2 तो 6 आते हैं, क्योंकि 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो हम 6 से बारो करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया, और क्योंकि हमने 6 से 1 बारो कर लिया था हमारे पास 5 में से 2 हमने माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया, और 8 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया, और क्योंकि 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते तो हम 5 से 1 बारो करेंगे, और 10 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया, और क्योंकि हमने 5 में से 1 बारो किया था तो 4-4=0। इसी तरह हम आगे 1 बारो करेंगे 7 से, और 11 में से हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास 2 आ गए, और 6-2=4 हमारे पास आ गया, और 6 को हमने ऐसा जो है वो हमने नीचे उतार लिया। तो ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही इसका जवाब लिखा होगा, मैच कर लें।
तो ये सबट्रैक्शन वैसे ही है जैसी आप छोटी क्लासेस में छोटे नंबर्स के साथ कर चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।